हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी वेनम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट द मीन्स ऑफ एंटी वेनम, यानी जो एंटी वेनम है इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि एंटी मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, वेनम यानी क्या होता है कि टॉक्सिक। ठीक है, यानी किसी कोई ना कोई एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होगा, उसके अगेंस्ट अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो क्या होगी, अपनी एंटी वेनम। तो ये जो टॉक्सिक ड्रग होगी या जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो होता है किसका, स्नेक का। यानी कि जब किसी को भी अगर स्नेक ने काट लिया है तो उस स्नेक के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको हमें कम करने के लिए जो देंगे वो क्या कहलाएगी, अपनी एंटी वेनम। यानी कि सांप के काटने के दौरान जो हम देंगे वो क्या कहलाएगा, एंटी वेनम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि एंटी वेनम होता क्या है। तो एंटी वेनम इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो एंटी वेनम जो है वो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी हम इसको जो है लैब के अंदर जो जैसे मेडिसिन बनती है उससे हम नहीं बना सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के अंदर हमें इसको बनाना पड़ेगा। इसलिए कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होगा। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनस बाइट और स्टिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि ये जो एंटी वेनम है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है और कब काम में आता है, ट्रीटमेंट करने में। क्या किस में काम में आएगा, ट्रीटमेंट करने में। किसका ट्रीटमेंट करेंगे हम, पॉइजन का। किसका ट्रीटमेंट करेंगे, पॉइजन का ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये जो पॉइजन होगा, ये पॉइजन किसका होगा, या तो बाइट कर लिया हो या फिर स्टिंग्स यानी कि या तो उसने काट लिया हो या फिर डंक मारने जैसी जो प्रोसेस होती है उनके द्वारा जो पॉइजनस इफेक्ट आता है बॉडी में उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी वेनम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एंटी वेनम, यानी जो एंटी वेनम है ये कैसे अपने इंडिया में आया और किस प्रकार से हमने इसको खोजा। तो पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट स्नेक एंटी वेनम वाज डिस्कवर्ड इन 1895, यानी जो पहला जो स्नेक एंटी वेनम था जो खोजा गया, कब खोजा गया, कब डिस्कवर किया गया, 1895 के अंदर किसने खोजा, अल्बर्ट चैलमेट ने। किसने खोजा इसको, अल्बर्ट चैलमेट ने खोजा अगेंस्ट डेडली इंडियन नाजा स्नेक। अब यह एंटी वेनम है किसके अगेंस्ट काम करेगा, ये स्नेक के अगेंस्ट काम करेगा। तो जो पहला एंटी वेनम खोजा गया था 1895 में, जो नाजा स्नेक था जो कि डेडली था, यानी डेड था, जिसको हम किस प्रजाति का होता है, किस स्पीसीज का होता है, कोबरा है एक प्रकार का, तो उसका नाम क्या था, नाजा स्नेक। तो उसके अगेंस्ट हमने इसको खोजा था। ठीक है, अल्बर्ट चैलमेट ने इसको खोजा था। अब बात करते हैं कि सोर्सेज, कि जो एंटी वेनम है इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, क्या इसका सोर्सेज होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो एंटी वेनम है इज ड्राइव्ड फ्रॉम मिल्किंग वेनम फ्रॉम स्नेक, स्पाइडर और इंसेक्ट। यानी जो एंटी वेनम है वो क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, यानी प्राप्त किया जाता है। आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी प्रकार से जो एंटी वेनम हम बनाएंगे ये किसके वेनम से बनाएंगे, मिल्की वेनम और स्नेक, यानी जो स्नेक है उसके जो मिल्की वेनम है उससे लेंगे, या स्पाइडर है यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं उनके लेंगे, या फिर जो इंसेक्ट है यानी जो जितने भी छोटे मोटे जो कीड़े हैं उनसे इनको हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये जो स्नेक स्पाइडर्स होते हैं इनका जो मिल्की वेनम होता है उससे हम एंटी वेनम क्या करेंगे, बनाने का प्रोसेस होगी। ठीक है, कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि द वेनम इज डायलेट एंड इंजेक्टेड इन टू हॉर्स, शिप, रेबिट, गोट एंड ETC। अब हमने क्या किया कि मान लो स्नेक का मिल्किंग वेनम लिया, इस जो मिल्की वेनम था इस वेनम को हमने क्या किया, डायलेट किया, डायलेट यानी इसको क्या किया हमने, पतला किया, और इसको हमने इंजेक्ट करा दिया किसके अंदर, हॉर्स के अंदर, शिप के अंदर, रेबिट के अंदर, गोट के अंदर, यानी ये जो है अपने क्या कहलाएंगे, एनिमल होस्ट, क्या कहलाएंगे, एनिमल होस्ट कहलाएंगे, इनके अंदर ही ये जो है अपनी एंटी वेनम बनेगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बोला। तो आप जो है स्नेक को मिल्की वेनम जो स्नेक से लिया गया है उसको हम पहले डायलेट करेंगे, फिर किसी भी एनिमल होस्ट के अंदर हम इसको इंजेक्ट करा देंगे। अब हम सब जानते हैं कि जैसे ही वेनम को किसी भी एनिमल के अंदर हम इंजेक्ट कराएंगे तो उस जो होस्ट होगा या जो एनिमल होगा उसका इम्यून जो सिस्टम हो वो रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ आई है जो शरीर के लिए क्या है, घातक है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा और क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा ताकि वो जो वेनम है उसको ख़त्म कर सके। तो वही प्रोसेस इसके अंदर होने वाली है, वेनम को डायलेट किया, फिर होर्सिप यानी एनिमल होस्ट के अंदर उसको हमने इंजेक्ट करा दिया। अब जैसे इंजेक्ट कराएंगे तो द सब्जेक्ट एनिमल, जो एनिमल जिसके अंदर हमने इसको इंजेक्ट कराया है वो जाएगा अंडरगोज इम्यून रेस्पॉन्स, उसके अंदर क्या होगा, इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। किसके खिलाफ देखने को मिलेगा, इस वेनम के खिलाफ देखने को मिलेगा जो कि हमने उसमें इंजेक्ट
कराया है। तो जैसे ही विनम के खिलाफ जो है इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी। तो ये जो विनम है इसके अगेंस्ट में हम क्या करें, जो बॉडी है वो क्या करे प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी अगेंस्ट द विनम, और क्या बनाएगी, एक्टिव मोलिकुल्स बनाएगी जो कि इस जो होस्ट है उसके बॉडी के अंदर रहने वाला है। अब विनम है, विनम के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई है, तो अब इस एंटीबॉडीज जो बनी है ये क्या करेगी, उस विनम को ख़त्म करने का काम करेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि वो जो अपना होस्ट है उस होस्ट से उन एंटीबॉडीज को हम क्या कर लेंगे, हार्वेस्टेड कर लेंगे, उसके जो ब्लड है उस ब्लड से हम उसको वापस बाहर निकाल लेंगे, और वो जो एंटीबॉडीज बनी है उसको किसी ऐसे पेशेंट को देंगे जिसको स्नेक ने बाइट कर लिया है। तो वो जो एंटीबॉडीज है वही क्या कहलाएगी, अपनी एंटी विनम कहलाती है। तो इम्यून रेस्पॉन्स के द्वारा जो है एंटीबॉडीज बनी, उन एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम हार्वेस्टेड करेंगे, किससे हार्वेस्ट करेंगे, एनिमल होस्ट के ब्लड से हार्वेस्ट करेंगे, ताकि हम ट्रीट कर सके स्नेक बाइट को, जो जिस पेशेंट को स्नेक ने बाइट किया है उसको हम ट्रीट कर सके। तो वो जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो ही अपने क्या कराएंगे, एंटी वेनम कहलाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस से हमने जाना कि थस इस प्रकार द प्रिंसिपल ऑफ एंटी वेनम इज बेस्ड ऑन दैट ऑफ वैक्सीन, कि यानी जो एंटी वेनम की जो पूरी पूरी प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल है, किसके ऊपर बेस्ड है, अपने वैक्सीन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे वैक्सीन को हम इंजेक्ट कराते हैं इम्यून रिस्पॉन्स आता है, तो जो वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है, वैक्सीन की जो थ्योरी है, उसी के ऊपर अपना जो है एंटी वेनम की जो प्रोसेस है पूरी पूरी बेस्ड होती है। बट इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड फर्स्ट इन होस्ट, लेकिन इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा, कि जो हमने एंटीबॉडीज बनाई है वो किसी दूसरे एनिमल के अंदर बनाई है, और उससे एंटीबॉडीज लेके हम किसी पेशेंट को देने वाले हैं, ताकि जो है वो जो होस्ट एनिमल उसको हमने पहले क्या किया, एंटीबॉडीज बनी और उससे एंटीबॉडीज लेके हाइपर इम्यून जो सीरम है उसको हमने क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज करेंगे इनटू पेशेंट, यानी पेशेंट को हम आईवी रूट के थ्रू जो है वो एंटीबॉडी उसकी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी वेनम, यानी जो एंटी वेनम है उनको क्लासिफाई करके देखते हैं। तो जो एंटी वेनम है वो दो टाइप के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। तो हम सब जानते हैं कि मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, ठीक है, और पॉली मीन्स क्या होता है, मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। तो मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसे एंटी वेनम जो इफेक्टिव हो ओनली अगेंस्ट सिंगल स्पीसीज वेनम, यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल स्पीसीज के जो वेनम्स हैं, पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज के जो जितने भी स्नेक्स हैं उनके अगेंस्ट में जो उनके जहर को कम करने के लिए जो काम मिली जाती है वो कहलाती है मोनोवेलेंट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा यानी बहुत सारी स्पीसीज के अगर वेनम्स को अगर हम काउंटरेक्ट करने के लिए, उनको कम करने के लिए जो एंटी वेनम लेते हैं वो कौन सी, अपनी पॉलीवेलेंट होती है। तो सिंगल स्पीसीज के लिए जो वेनम बनी होती है उसे बोलेंगे मोनोवेलेंट, और पॉलीवेलेंट क्या होती है, इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट सेवरल स्पीसीज, यानी एक से अधिक जितनी भी स्पीसीज है उनके वेनम को ख़त्म करने के लिए जो लेते हैं वो क्या कहलाएगा, अपना पॉलीवेलेंट कहलाता है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ये जो अपना एंटी वेनम है उसको हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, क्या इसकी प्रोसेस होगी, कब इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहला आता है, एंटी वेनम्स आर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेड टू द विक्टम्स टू एज सून एज पॉसिबल फॉलोइंग स्नेक बाइट अटैक, यूजली विद इन 4 to 5 hours। यानी कि जो अपना एंटी वेनम है उसको हम नॉर्मली एडमिनिस्टर करेंगे विक्टम्स, यानी जिस पेशेंट को बाइट किया स्नेक ने, कब करना है, जल्द से जल्द करना है, यानी जैसे ही स्नेक ने बाइट किया उसके 4 to 5 hours के अंदर, 4 to 5 hours के अंदर अंदर हमें क्या करना है, एंटी वेनम उसकी बॉडी में क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं, इवन दो एंटी वेनम आर प्यूरिफाइड बाय मल्टीपल प्रोसेस बट इट मे कंटेन अदर सीरम प्रोटीन, ये जो हम वेनम को क्या करेंगे उससे एनिमल से हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद एंटी वेनम जो बनता है, तो यहाँ तक कि जो एंटी वेनम होता है वो प्यूरीफाई होता है बाय मल्टीपल प्रोसेस, यानी बार बार बहुत सारी प्रोसेस हम उसको गुजारते हैं, उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या पाई जाती है, सीरम प्रोटीन्स पाई जाती है, ठीक है। तो जब पेशेंट को आप एंटी वेनम इंजेक्ट कराओगे तो उसके अंदर क्या जाएगी, सीरम प्रोटीन्स भी जाएगी, और हम कहीं भी जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती है वो भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि स्टोरेज, कि एंटी वेनम को हमें स्टोर कैसे करना है, तो नॉर्मली स्टोर इन फ्रीज, जो एंटी वेनम होता है वो किस में स्टोर किया जाता है, फ्रीज के अंदर स्टोर होता है, और किस में भरा रहता है, ये एम्पूल के अंदर भरा रहता है, और जो एम्पूल कैसा होना चाहिए, डाइड होना चाहिए और स्टरलाइज होना चाहिए। तो जो ड्राई और स्टरलाइज जो एम्पूल्ड होते हैं उनको फ्रीज के अंदर हमें क्या करना है, एक लो टेम्परेचर के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है, और जब आपको जरूरत पड़ती है आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को इंजेक्ट करा सकते हो। तो यह था अपना एंटी वेनम, जो कि फार्माकोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा पूछने वाला
वाला टॉपिक है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप सीधे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको एज सून एज क्या मिल जाएगा उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।